गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, आज अपने धोरण 12 में इंग्लिश विषय में ग्रामर टॉपिक अपने डू इज डायरेक्ट ये छेला तमे नवमा धोरण थी अभ्यास कर चुक्या छो, तो एज विषय पर आज अपने एनी चर्चा करवानी छे। तो डू इज डायरेक्ट मोटा भागे 9 थी लईने 10 11 अने 12 अने क्वेश्चन नंबर 51 थी 52 में ये पूछातु होय छे। तो डू एज डायरेक्ट में मोटा भागे चेन्ज द जेन्डर, चेन्ज द नंबर, चेन्ज द टेन्स एंड चेन्ज द वॉइस, चेन्ज द पर्सन, आ मोटा भागे खास करीने पूछातु होय छे। तो आपने एनी विगते चर्चा करीशुं। तो मोटा भागे शब्द में एनु रूपांतर करवानुं होय छे, जेवी रीते के मेल अने फीमेल, तो एमां आपने शुं फेरफार करवानो होय छे। तो मानी लो के एक बाजु आपने शब्द लईशुं अने एनु ट्रांसफोरेशन केवी रीते थाय ए शब्द आपने जोईशुं। तो शब्द आपने जोईशुं ही, तो एनु थशे फीमेल में सी। एवी ज रीते हिमसेल्फ, हिमसेल्फनु थशे हरसेल्फ। फाधर पापा, डेड, तो एनु थशे मधर मम्मी मोम। ग्रांड फाधर ग्रांड मधर, अंकल आंट, एज प्रमाणे अंकल आंट, ब्रधर सिस्टर, मैन तो वुमेन, एक वचन मैन, बहुवचन तो वुमेन। एज प्रमाणे मिस्टर मिसिस, नेफ्यू नाइस, सर मैडम, सर मैडम, हस्बैंड वाइफ, सन डॉटर, किंग क्वीन, बॉय गर्ल, जेंटलमैन लेडी, प्रिंस प्रिंसेस, ऑथर ऑथर्स, एक्टर एक्ट्रेस। त्यारबाद गॉड गॉडेस, टाइगर टाइग्रिस, हैंडसम ब्यूटिफुल। तो आवा बधा घना बधा जे शब्द छे के जेनो आपने फेरफार करवानो थाय छे। तो अपने उदाहरण तरीके अपने हवे एना एक्जाम्पल्स जोईशुं के केवी रीते परीक्षा में पूछातु होय छे। हवे एक्जाम्पल्स जोईशुं। मिस्टर शाह इज अ डॉक्टर, हिज वाइफ इज अ पोइटिस, दे हैव अ सन, ही इज एन एक्टर। तो आ प्रमाणे परीक्षा में पूछातु होय छे अने एना नीचे लखेलू होय छे के स्टार्ट लाइक धीस। त्यारबाद लखेलू होय छे मिसिस शाह इज अ डॉक्टर, त्यारबाद डॉट डॉट करीने आपेलू होय छे के अधूरू वाक्य के पेराग्राफ जे आपने पूर्ण करवानो होय छे। तो आपने शुरुआतथी ज आपने ख्याल आवी जवो जोईए के सेंटेन्समां कयो कार्ड वपरायेलो छे। तो ए प्रमाणे तो सेंटेन्समां कयो कार्ड वपरायेलो छे तो एज प्रमाणे आपने शुरुआत करवानी रहेशे। तो आपने शुरुआत करीशुं मिसिस शाह इज अ डॉक्टर, तो इज आ इज आ आपेलू छे एमां कोई फेरफार थशे नहीं, एटले के वर्तमान कालनुं वाक्य छे अने वर्तमानमां ज फेरफार करवानो छे। खाली फक्त मिस्टरनी जग्याए मिसिस शाह लखवानुं रहेशे। त्यारबाद हिज वाइफ इज अ पोइटिस, तो हिज वाइफनुं थशे आपने हर अने वाइफनुं थशे हस्बंड। इज अ पोइट, इज अ पोइटनुं थशे पोइट, पोइटिस अने पोइट, ए आपने ध्यानमां राखवानुं छे। त्यारबाद दे हेव अ सन, तो दे हेव अ सन, सननी जग्याए आपणे મૂકીશું ડોક્ટર, ડોટર સોરી ડોટર એટલે કે પુત્રી, સન એટલે પુત્ર અને ડોટર એટલે પુત્રી। ત્યારબાદ હી ઇઝ એન એક્ટર, હીનું થશે સી, ઇઝ એન એમાં કોઈ ફેરફાર થશે નહીં, એક્ટરનું થશે એક્ટ્રેસ। તો આ પ્રમાણે અંદર પરીક્ષામાં જે પણ જગ્યાએ ચેન્જીસ કરવાનો હશે તે જગ્યા પર અંડરલાઇન આપેલું જ હશે, તેમાં જ આપને ખાસ ધ્યાન આપવાનું રહેશે અને તે જ જગ્યામાં આપણે સુધારો કરવાનો રહેશે। એ જ પ્રમાણે
बीजा नंबर नो उदाहरण जोईशु। बीजा नंबर ना उदाहरण में जोईए तो देर वॉज अ किंग ही हेड अ ब्यूटिफुल डॉटर द प्रिंसेस वॉज वेरी बोल्ड सी डिडंट वॉन्ट टू मेरी एट ऑल। तो आ वाक्य जे छे ते भूतकाळनुं वाक्य छे। तो एमा नीचे आपेलू हशे स्टार्ट लाइक धीस देर वॉज अ क्वीन। तो आ प्रमाणे ट्रांसफॉर्मेशन करवानुं रहेशे। जेवी रीते अहीं आपेलू छे कि देर वॉज अ किंग अने नीचे आपेलू छे स्टार्ट लाइक धीस में देर वॉज अ क्वीन एटले के कार्ड में कोई फेरफार थशे नहीं। कार्ड तो आपने भूतकाळ ज वापरवानो छे। तो भूतकाळनुं वाक्य भूतकाळमां फेरवानुं छे। फक्त एमां जे चेन्जिस आपेला छे ए आपने जोवाना रहेशे। तो आपने शुरुआत करीशुं देर वॉज अ क्वीन। किंगनुं थशे क्वीन। ही हेड अ ब्यूटिफुल डॉटर। हीनुं थशे सी। सी हेड अ ब्यूटिफुलनुं थशे हेन्डसम अने डॉटरनुं थशे सन। तो आ प्रमाणे आपने वाक्य जोता जवानुं रहेशे अने फेरफार ज्यां थतो हशे त्यां आपने स्पेलिंगमां सुधारो करता रहेवानुं रहेशे। त्यारबाद द प्रिंसेस वॉज अ वेरी बोल्ड। द प्रिंसेस वॉज अ वेरी बोल्ड। द प्रिंस प्रिंसेसनुं थशे प्रिंस वॉज वेरी बोल्ड। ए प्रमाणे सुधारो करवानो रहेशे। त्यारबाद सी डिडंट वॉन्ट टू मेरी एट ऑल। सीनू थशे ही डिडंट वॉन्ट टू मेरी एट ऑल। तो ए प्रकारे जे अंडरलाइन करेलो भाग हशे त्यां आपने सुधारो करवानो रहेशे अने सेंटेन्स जोता रहेवानुं रहेशे अने सुधारो करता रहेवानुं रहेशे। त्यारबाद नीचे एक्जाम्पल नंबर 3 मोना इज माय सिस्टर। सी स्टडीज इन 10th। सी डज हर होमवर्क हर सेल्फ। दीस बुक्स आर हर। तो एज प्रमाण नीचे आपेलू छे। फॉर एक्जाम्पल स्टार्ट लाइक धीस मिलन इज माय ब्रधर। अहीं पण कार्डमां कोई ज फेरफार करवामां आव्यो नथी। कार्ड वर्तमान कार्ड ज छे। एम इज आरनो उपयोग थयेलो छे एटले आपणे समजी लेवू के वर्तमान कार्डनो उपयोग थयेलो छे। खाली जेन्डर जाति बदलवानी छे। तो जोईशुं आपणे मिलन इज माय ब्रधर। मोनानी जग्याए आपने लखवानुं रहेशे मिलन इज मायमां कोई फेरफार थशे नहीं। सिस्टरनी जग्याए ब्रधर लखवानुं रहेशे। त्यारबाद सी स्टडीज इन 10th। तो सीनी जग्याए आपने मूकीशुं ही स्टडीज इन 10th। त्यां सुधी आपने कोई सुधारो करवानो नथी। सीनी जग्याए ही लखवानुं रहेशे। त्यारबाद सी डज हर होमवर्क हर सेल्फ। तो सीनी जग्याए ही डज हिज होमवर्क हिमसेल्फ। त्यारबाद दीज बुक्स आर हर। एनું થશે ધીઝ બુક્સ આર હિઝ। એ પ્રમાણે આપણે જોતા રહેવાનું છે કે કયા કયા વાક્યમાં ફેરફાર કરવાનો રહેશે। તો વિદ્યાર્થીઓ આ પ્રમાણે આપણે સ્ટાર્ટ લાઇક ધીઝ એ સેન્ટેન્સ જોવાનું રહેશે અને એમાં કયા કાળમાં ફેરફાર થયેલો છે એ જોવાનું રહેશે। અને મોટાભાગે જે સેન્ટેન્સમાં સુધારો કરવાનો હોય છે તે જગ્યા પર અંડરલાઇન કરેલું જ હોય છે, હાઇલાઇટ આપેલી જ હોય છે। तो हाईलाइट पर आपने खास ध्यान आपवानुं होय छे अने एज प्रमाणे आपने एनो उत्तर लखवानो रहेशे। जेन्डर बदलेलो होय, वॉइस बदलेलो होय के पछी कोई पण कार्ड परिवर्तन थयेलुं होय तो एना पर आपने ध्यान आपवानुं रहेशे अने ए प्रमाणे आपने परिवर्तन करवानुं रहेशे। तो आज सुधी आपने अत्यारे अहींया पीरियड आपनो पूरो करीशुं। अस्तु।